नमस्ते भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहन। और मैं हूँ आपका दोस्त और रोज बस सीट अपने टॉक्स लेके आया हूँ एक बहुत टाइम के बाद व्लॉग। तो चलो व्लॉगिंग करते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। क्या अभी तक रेडी नहीं हुए क्या यार? चलो दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। आओ आओ ना आओ ना, ये बैग है, जा रहा हूं मैं कहीं। चलो चलो क्या यार। अच्छा आ रहे हो आ रहे हो, तो आओ आओ, मैं वेट कर रहा हूं, आओ। तो तिलक नगर जाने के लिए के दो तरीके, एक मेट्रो से और एक ड्राइव से, मतलब गाड़ी से। मेट्रो से आप जाओगे गुड़गांवा टू सुभाष नगर, आपका लगेगा 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, ड्राइविंग में आपका लगेगा गुड़गांवा टू सुभाष नगर 47 मिनट, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। मेट्रो रूट आपके होंगे गुड़गांवा होस्कार्स मेजेंटा लाइन, जो सीधा डायरेक्ट आपके जनकपुरी वेस्ट में जाती है, और फिर आप जाओगे सुभाष नगर। और ड्राइव रूट रहेंगे आपके दो, ठीक है, दो, ये आपके ऊपर है। दो गूगल बाबा की जय, मतलब गूगल मैप भी यूज़ कर सकते हो। और ये सुभाष नगर, दिल्ली कैंट, धौला कुआं, गुड़गांवा। आपका मन चाहे तो आप धौला कुआं को स्किप करके डायरेक्ट गुड़गांवा भी आ सकते हो। इसके ये आपके ऊपर है कि आपको स्किप करना है कि नहीं धौला कुआं, ये आपके ऊपर है। और मेट्रो कार्ड पे आपके लगेंगे 40 और 40-50 रुपीस। ड्राइविंग में आपका लगेगा 500 का डीजल और पेट्रोल, गैस का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो एक बार फिर मेट्रो में गुड़गांवा टू सुभाष नगर 1 आवर 45 मिनट्स, गुड़गांवा ड्राइव, गाड़ी से गुड़गांवा टू सुभाष नगर 47 मिनट, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। मेट्रो रूट गुड़गांवा हॉर्स खास मेजेंटा लाइन, ये सीधा डायरेक्ट जनकपुरी जाती है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप नोएडा वाली में ना जाएं, जो कि है बोटानिकल गार्डन वाली, क्योंकि क्योंकि वो आपके बहुत दूर ले जाएगी। और उसके बाद आपका सुभाष नगर आ जाएगा जनकपुरी के एक दो स्टेशन के बाद। फिर ड्राइविंग रूट में आपके पास दो चॉइसेस है, गूगल बाबा की जय, मतलब ये आपका गूगल मैप, और सेकंड सुभाष नगर दिल्ली कैंट। आपका मन चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो गुड़गांवा दिल्ली कैंट से, डायरेक्ट जा सकते हो गुड़गांवा, या तो सुभाष नगर दिल्ली कैंट वाया दौलत कुआं हो के गुड़गांवा आ सकते हो। और मेट्रो मेट्रो में आपको लगेंगे 40-50 रुपीस। गाड़ी में आपका लगेगा 500 का डीजल और पेट्रोल, इसमें मैंने गैस का इंक्लूड नहीं, CNG का इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप एक होते हैं बुलेट लवर, एक होते हैं पल्सर लवर, एक होते हैं अपाचे लवर, और फिर आते हैं 350 लवर। ये दोस्त है मेरा जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात करी थी ना आपको, जतिन जतिन, ये वो दोस्त है। और इतना हरामी है, इतना हरामी है, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल जरा बताऊंगा मैं। भाई क्या फ्रेम आ रहा है, भाई देख क्या फ्रेम आ रहा है, इसको दिखाऊंगा थंबनेल में। और भाई क्या खिलाएगा आज? मैं बप्पे लल्ले। क्या गप्पे लल्ले? क्या बप्पे लल्ले? बप्पे लल्ले क्या है? अरे मतलब कि ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े में क्या है? अभी तो खिलाएंगे, फिर दोपहर में हम देखो खिला देंगे। बढ़िया। तो दोस्तों ये बताओ, मैक्स दोस्ती, मैक्स 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 जो दोस्ती होती है ना, वो कितने साल की होती है? 1 साल, 2 साल, अगर कोई लड़की आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। लेकिन हम दोनों की दोस्ती है ना, हम दोनों की, हाँ हम दोनों की दोस्ती कितने साल हो गए? 17 ईयर्स। हाँ 17 ईयर्स हो चुके हैं। और ना इसने मेरा साथ छोड़ा है, ना मैंने इसका साथ छोड़ा, मतलब दोनों, मान लो अगर ये जय है तो मैं वीरू हूँ, नहीं उल्टा बोला। हाँ सही है। और ये मुन्ना, मैं मुन्ना हूँ, मैं मुन्ना भैया हूँ, मुन्ना भाई हूँ, तो ये सर्किट है।
क्योंकि मुन्ना की हाइट लंबी है। और बाकी की स्टोरी के बारे में बताएगा ये? तो छोटे छोटे थे स्कूल में, तो पहली बार जब मिले थे 2005 या 2006 में मिले थे, हाँ परफेक्ट याद नहीं है, बट लेकिन इस टाइम उसका घर होता था रजौरी, हाँ और हम रहते थे यहाँ पे अपना तिलकनगर। हाँ तिलकनगर। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ती गई, और बस में हमें एक साथ मतलब हमारा दोस्त का था आना जाना, तो धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती, कभी कभार तो लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, फिर भी हम रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं ये हमारी जो फ्रेंडशिप है, और धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता गया गहरी होती गई। हाँ गहरी होती गई, और लड़की भी आई हमारी लाइफ में, लड़की भी आई, और उस लड़की ने भी टूटने की कोशिश करी हमारी दोस्ती, तो ऑलमोस्ट टूट गई। जो मेरा तीसरा सादिक था वो पता नहीं कहाँ है, तो हम दोनों ही रह गए, और बस वो अपने रास्ते चला गया, हम अपने रास्ते चले गए, ऐसे ही होता हाँ ना। और भी कुछ हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बट लेकिन छोड़, मैं बहुत लोगों ने ये बाहर की बातें करी है, गरीब हो गई, हमें गया हमें घंटा पड़ा था। ओ आए। हाँ तो दोस्ती यार ऐसी होनी चाहिए, 17 साल की दोस्ती जो कि लाइफ भर चले। और हाँ दोस्त ऐसे बनाओ जो जिंदगी के मुश्किल तौर पे तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी वाट लगने पे तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट करें। हाँ सपोर्ट करे। और इसकी अभी हालत बहुत ही, मतलब बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है बढ़िया है बढ़िया। बहुत बढ़िया है, मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं है लेकिन है ठीक है, नज़र नहीं लगा रहा हूँ। तो और कुछ कहना तेरे को? बस यही तक, अब हमारा वीडियो एंड करते हैं। नहीं शायद अब एंड नहीं होगी, या पता नहीं, मेरे को नहीं पता कितने मिनट की बनी है, और मैं एडिटिंग टेबल में जाके ये करूँगा। तो तब तक के लिए बाय।